हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मैं आपके सामने काफी टाइम बाद वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मेरे फैमिली में थोड़ा सा इश्यू हो गया था, इसलिए मैं अभी वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। तो पहले तो फ्रेंड्स, आप सबको हैप्पी मकर संक्रांति। आप सबको मेरी तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक बधाइयां हो। फ्रेंड्स, आज मैं एक BSCC क्रीम का रिव्यू करने जा रही हूँ, फेशियल क्रीम का, जो मैं बताती हूँ ये किस तरीके से वर्क करता है। फ्रेंड्स, ये मैंने नायका से परचेस की हुई है, तो ये कुछ इस तरीके की पैकिंग में आती है, आप देख पा रहे हैं। ये मुझे ऑफर में भी मिली हुई थी फ्रेंड्स, एंड ये टाइटनिंग BSCC क्रीम है। इसके 4 स्टेप हैं, आप देख पा रहे हैं, एंड 5 स्टेप इसका लोशन दिया गया है इसमें। ये किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से करना पड़ता है, मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, इसके साथ एक एक कार्ड भी आया है। अगर आपको फेशियल करना नहीं आता तो आप इस कार्ड की हेल्प से पढ़ के आप फेशियल कर सकते हो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इसका पहला स्टेप है फ्रेंड्स स्क्रब, एंड सेकंड स्टेप जेल, एंड थर्ड स्टेप इसका क्रीम, एंड फोर्थ स्टेप इसका फेस पैक है, एंड लास्ट इसका जो है वो एक सीरम है, विटामिन सीरम है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसको पहला जो स्टेप है वो कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो फेशियल किट है फ्रेंड्स, ये इतनी क्वांटिटी में आती है फ्रेंड्स। ये एक बार में आपको 15 दिन के अंतराल में एक 15 दिन में एक बार करना है। आप मतलब मंथ में आप 2 बार इसको यूज कर सकते हो किट को। ये आपको जो किट है ये 6 बार आपकी हो जाएगी, क्योंकि इसमें दिया गया है 1 2 3 4 5 6। आप 6 बार इसको, 6 बार आप इसको यूज कर सकते हो। और ये जो अंदर से इसकी जो पैकिंग है फ्रेंड्स, इस किट की जो पैक होके आया है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे इसमें अलग से इसका दिया गया है, ताकि इसके अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, ताकि ये एक दूसरे में मिक्स ना हो। तो फ्रेंड, इसका जो पहला स्टेप है फेस पैक का, तो मैं आपको फेस स्क्रब का, सॉरी फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताती हूँ। आपको अपने स्किन को अच्छे से क्लीन कर लेना है, साफ कर लेना है। उसके बाद आपको स्क्रब को अपने स्किन पे लगा के गीली उंगलियों से और इस तरीके से मालिश करनी है। आपको गीली उंगलियों से इस तरीके से मालिश करनी, स्क्रब करना है, एंड फिर कोई कॉटन से आपको इसको साफ कर लेना है, और फिर अपने फेस को क्लीन कर लेना है, धो लेना है, मतलब पानी की हेल्प से आपको अपने फेस को धो लेना है। एंड सेकेंड इसका स्टेप है जो वो है जेल। तो फ्रेंड्स, इसकी जो आप जेल अपने हैंड में लोगे, तो जेल के साथ आपको विटामिन की जो सॉरी फ्रेंड्स सीरम है जो, इसको भी आपको उसमें ऐड करना है। कुछ इसके ड्रॉप्स आपको उसमें ऐड करके और फिर अपनी स्किन पे इसको मसाज करना है आपको, और फिर आप इसको दूसरी बार भी इसको ले सकते हो। फ्रेंड्स, इसको मसाज को आपको ऐसे गोल गोल करके राउंड राउंड वाले स्टेप में आपको अपने स्किन पे यूज करना है, तो आपको विशेष ध्यान देना है, एंड आपको ऐसे राउंड राउंड करके ऊपर के साइड जाना है। और फिर आप चाहो तो आप अगर आपको लगता है स्टीम ले सकते हो तो आप स्टीम भी इसमें ले सकते हो। अगर आपको नहीं लेना है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। एंड थर्ड स्टेप इसका फ्रेंड्स है क्रीम। तो इसकी जो क्रीम है फ्रेंड्स, ये क्रीम आपको लेना है, पूरी स्किन को साफ कर लें, फिर आप उस स्किन में इस क्रीम को लगाएं, और लगा के फिर गोल गोल राउंड में नीचे से ऊपर की ओर जाना है आपको, इस तरीके से करके फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको नीचे से ऊपर की ओर जाना है। ध्यान रखें फ्रेंड्स, ऊपर से नीचे की ओर नहीं जाना, नीचे से ऊपर की ओर जाना है, ताकि आपकी स्किन जो है वो टाइटनिंग हो फ्रेंड्स। तो आप करके और 15 से 20 मिनट तक या 10 से 15 मिनट तक आप स्किन को इसको अपने में अच्छे से आप क्लीन करें और लगाएं अपने, और जो एक्स्ट्रा क्रीम हो उसको निकाल दे, क्लीन कर दे। एंड फोर्थ स्टेप है इसका फ्रेंड्स फेस पैक। तो जितना आपका आपको अपने क्वांटिटी के हिसाब से लेना है, कि जितना आपके नेक में या फेस में जितना हो उतना आपको फेस पैक लेना है। ये थोड़ा सा फेस पैक इसमें थोड़ा थिक निकलेगा, थोड़ा सा रहता है, तो आप चाहो तो इसमें वाटर की हेल्प से उसको करके हैंड डिप करके या ब्रश का डिप करके लगा सकते हो, अगर आप उससे भी थिक लगता है, या फिर आप ऑप्शन है, अगर आप रोज वाटर ऐड करके लगाना चाहो तो रोज वाटर ऐड करके लगा सकते हो, नहीं तो आप वाटर को हेल्प से ही लगा सकते हो। एंड फिर आपको ये 10 से 15 मिनट तक आपको लगाना है, और फिर उसके बाद आपको अच्छे से तरीके से इसको पोंछ के किसी भी, या डायरेक्ट पानी की हेल्प से पोंछ लीजिए, या फिर आप किसी भी कॉटन पैड के हेल्प से आप इसको निकाल सकते हो। एंड लास्ट में आपको जो इसमें सीरम दिया गया है ये लोशन, ये इस तरीके से अपने स्किन पे लगा लेना है फ्रेंड्स। ये जो विटामिन, ये जो BSCC का फेशियल है ये अच्छा है। आप भी जानते होंगे BSCC की जितनी भी फेशियल किट होती हैं, डायमंड एंड
गोल्डन, ये सारे अच्छी आते हैं। ये मैंने टाइटनिंग वाला मंगाया, ये भी अच्छा है फ्रेंड्स। मैंने इसके काफी सुना हुआ था, रिव्यू भी देखी हुई थी कि ये काफी अच्छा है फ्रेंड्स। ये आपकी स्किन से जितनी भी डर्ट होगी वो सारी हटाएगा, टैन स्किन भी हटाएगा फ्रेंड्स, एंड आपकी स्किन को नरिश करेगा और झुर्रियों को भी हटाएगा फ्रेंड्स। ये आपकी स्किन से काफी बारीक जो रेखाएं होती है उनको भी हटाएगा, स्किन को टाइटनिंग करने में आपकी हेल्प करेगा, ग्लो लाएगा फ्रेंड्स। आपको इतना ध्यान देना है कि ये जब आप फेशियल करें इसका पूरा टाइम 45 मिनट के समथिंग होता है फ्रेंड्स। 45 मिनट आपको इस किट के साथ अपने स्किन में देना है, तो आप ध्यान दें, इस किट के साथ आपको अपने स्किन में 45 मिनट देना ही है। और फ्रेंड मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जब भी आप इस तरीके का कुछ भी करते हो तो आप धूप में निकलने से थोड़ा सा परहेज करें कि धूप में ना जाएं हैं, और धूप में जाने से पहले आप हो सके तो आप हो सके क्या डेफिनेटली आप अपने स्किन में सनस्क्रीन अप्लाई कीजिएगा, तब आप धूप में निकलिएगा फ्रेंड्स। एक बात और मैं बोलूंगी, अगर आप सनस्क्रीन अप्लाई करते, कई लोगों को सनस्क्रीन यूज करने का सही तरीका नहीं पता होता है, वो सनस्क्रीन यूज करते हैं और फिर डायरेक्ट ही धूप में निकल जाते, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। सनस्क्रीन इस तरीके से वर्क नहीं करता है, सनस्क्रीन को आपको धूप में निकलने से 30 मिनट्स पहले अप्लाई करना चाहिए, तभी वो आपके स्किन में वर्क करता है एंड अपना दिखा पाता है धूप के सामने। तो आप जब भी धूप में निकलें तो ध्यान रखिए कि आपको 30 मिनट्स पहले आप सनस्क्रीन को अपने फेस में अप्लाई करना है, उसके बाद आप कहीं धूप में निकलें। ये हमारे और अपने स्किन को और हेल्दी बनाए फ्रेंड्स। उसे अपन हर 15 दिन में इस किट को यूज कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी क्यूट किट है, आपको 15 दिन से पहले नहीं करना है। तो मैं आपको बोलूँगी 15 से 20 दिन में आप इस किट को दोबारा रिन्यू यूज कर सकते हो, अच्छी किट है, आप डेफिनेटली जाइए परचेज कीजिए और बताइएगा आपको कि मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।